दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओरोफोर XT सैरप का रिव्यू। आज हम ओरोफोर XT कहाँ यूज़ करते हैं, इसके कंपोजिशन, इसके डोसेज, अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी और साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले हम ओरोफोर XT सैरप के यूजेस के बारे में जानेंगे। ओरोफोर XT एक आयरन सप्लीमेंट है जो आपके एनीमिया यानी खून की कमी, विटामिन की डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी को कम करता है। पहले हम ये जानेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी में रोगी को क्या लक्षण होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको थकान, कमजोरी, सांस फूलना, सिर चकराना, मिट्टी, बर्फ या गंदगी खाने की चाहत होना, हाथ पैर सुन्न होना, त्वचा पीली होना, जीभ की सूजन, गले में खराश, हाथ पैर के तलवे ठंड होना, इरेगुलर हार्ट बीट, नाखून खुरदरे होना, भूख न लगना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी खून की जांच करवा लें। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी से खून की कमी हुई है तो आपके लिए ओरोफोर XT सैरप एक बेस्ट मेडिसिन है। ओरोफोर XT आपके आयरन की कमी को पूरा कर आपके खून को बढ़ा देगी। अब हम इसके अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी और प्राइस के बारे में जानेंगे। ओरोफोर XT सैरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। ओरोफोर XT सैरप 200 ml के पैकिंग में आती है और इसकी प्राइस 217 रुपये है। अब हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। ओरोफोर XT सैरप में एलिमेंटल आयरन 30 mg, फोलिक एसिड 500 mcg और मिथाइल कोबालमाइन 500 mcg होता है। यानी अगर आप 5 ml सिरप को लेंगे तो आपको आयरन 30 mg, फोलिक एसिड 500 mcg और मिथाइल कोबालमाइन 500 mcg इस मात्रा में मिल जाएगी। एलिमेंटल आयरन आपके आयरन सप्लीमेंट को पूरा करता है। आयरन से बनने वाले कंपोनेंट्स जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फोलिक एसिड आपके आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है और मिथाइल कोबालमाइन आपके कमजोरी को दूर करता है। मिथाइल कोबालमाइन एक विटामिन B12 का एक्टिवेटेड फॉर्म होता है जो न्यूट्रिशनल डिसीजेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ओरोफोर XT सैरप के यूजेस के बारे में जानेंगे। ओरोफोर XT सैरप आयरन की डिफिशियंसी होने वाले एनीमिया में, न्यूट्रिशनल एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होने वाले एनीमिया में, इन सभी डिसीजेस में ओरोफोर XT सैरप बहुत लाभदायक है। अब हम ओरोफोर XT सैरप के डोसेज के बारे में जानेंगे। ओरोफोर XT सैरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना है। ओरोफोर XT सैरप को खाने से 1 घंटा पहले लेना है। ओरोफोर XT सैरप के साथ चाय या कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मली इसका डोज 5 ml दिन में एक बार है, मगर आपके डिसीज के सीवियरिटी पर डोज ज्यादा या कम हो सकता है। अब हम ओरोफोर XT सैरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओरोफोर XT सैरप को डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। ओरोफोर XT सैरप से आपको जी मतलाना, उल्टी, अपच, दस्त, पेट फूलना, भूख न लगना, नींद न लगना, एंग्जाइटी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में खुजली या लाल रंग के चकते और काले रंग के दस्त यानी ब्लैक स्टूल्स भी हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।